मैंने उड़ा लिया। जाओ क्या नीचे, सामान डिस्पॉन नहीं हो रहा है। कौन है यार, कौन है भाई, कौन है भाई? नीचे ब्लैक कंक्रीट है क्या वो? ब्लैक कंक्रीट इतना अच्छा शॉट है भाई उसके पास। वेट, इसका तो कोई नेम टैग नहीं है भाई, कौन है ये? कौन हो तुम? अरे आवाज कुछ अजीब नहीं लग रही। अरे मैं योग भाई, मैं इस वर्ल्ड का सबसे इलीगल प्लेयर हूँ, किस लिए आए हो इधर? पता नहीं, देखो मैं कुछ करना नहीं चाहता, मैं आपको मारने नहीं आया। देखो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मेरे को एक केव दिखी, मैं अंदर आया तो मेरे को आप देखे, तो मैं कुछ गलत करना नहीं चाहता। तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो? नहीं नहीं चाहते, जिंदा रहना चाहता हूँ। क्यों आए हो यहाँ पे? अरे यार मैं वैसे ही एक्सप्लोर कर रहा था और मेरे को केव दिखी, तो सोचा इतनी अजीब सी केव कहाँ से आ गई, तो मैं नीचे एक्सप्लोर करने आया। लगता है तुम बहुत ज्यादा ईमानदार बच्चे हो। एक सेकंड, आपके हाथ में क्या था? मैं आ सकता हूँ? वेट, मेरा पानी कंक्रीट नहीं है। क्या बात कर रहे हो, नीचे कंक्रीट थोड़ी होगा। क्या है तो फिर? नीचे वॉइड है भाई। वॉइड के क्यों की तैसी बेडरॉक पॉइंट कर दिया आपने? और क्या, ये सब तो हमारे लिए नॉर्मल चीज है। ओ भाई वो बंदूक कौन सी देखा, दिखा आपका एक बार, एक बार हाथ में दिखा। इस बंदूक की बात कर रहे हो? ओ भाई साहब, ये क्या? ये तो एक छोटी मोटी सी गन है जो मेरे पास हमेशा रहती है। छोटी मोटी भाई, ये कितना इलीगल वेपन है आप जानते भी हो? ये सब, ये पूरे एसएमपी में सिर्फ दो ही चीजें, ये पूरे एसएमपी में रेयर पाए जाना वेपन, ये पूरे के पूरे एसएमपी में रेयर वेपन है यार। और ये आपके पास कैसे आया? बच्चे तुम मेरे को सिखा रहे हो? नहीं, अरे आपको बस, मैं शॉक हो चुका हूँ ये वेपन देख के। बताओ तुमको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैं एडवेंचर के लिए निकला, मेरे को देखो जब यार मैं मेरा एक दोस्त है डीआर के, वो अभी बुरे हाथों लग चुका है, एक इनविजिबल मैन है और उसका एक बॉस है। क्या तू बॉस की बात कर रहे हैं? आप जानते हो बॉस के बारे में? भाई तुम लोग बॉस के हाथों पड़ गए क्या? हाँ भाई, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम बहुत ज्यादा गंदी चीज के हाथ में पड़ चुके हो। तुमको पता भी है हम दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे, वो ब्लैक मैजिक कर रहा था एंड मैं उसको हमेशा मना करते रहता था कि ब्लैक मैजिक मत कर, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी एंड अभी भी वो बहुत गंदे गंदे ब्लैक मैजिक करता रहता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है मेरे से भी ज्यादा। और क्या वो चाहता है कि वो सबसे ज्यादा इलीगल तो वो है ही, लेकिन वो पूरी एसएमपी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो उसको ऐसा करने से रोकना होगा तुमको, तो आप तो यहाँ पे बैठे हो, हमें मारने जाना चाहिए ना उसे। बट उसको मारना बोलने के लिए आसान है, लेकिन वो उसको मारना काफी ज्यादा हार्ड है। अच्छा आप लोग गन दे सकते हो? ये गन तुमको नहीं मिल सकती। अरे क्यों, मैं आप जो दाम बोलोगे देने के लिए तैयार। क्या तुमको इसकी सही में जरूरत है? हाँ देखो यार,
मेरे को डीआरजी को सही रास्ते पे ले जाना है तो उसके लिए मेरे को, अरे सॉरी 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 मैं आपको नहीं मानना चाहता, देखो देखो मेरे को डीआरजी को सही रास्ते पे ले जाना है तो उसके लिए मेरे को स्क्रिप्ट की सख्त जरूरत है। मैं ऐसा हो तो लौटा दूंगा बट आप बस वैसे तो मैं किसी को देखने तक नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे को तुम्हारा नेचर अच्छा लगा तो मैं तुमको ये दूंगा एक शर्त पे, और मेरी एक कीमत भी है। देखो पहली खुशी है कि तुम इसका मिस यूज नहीं करोगे, और दूसरा ये गन मैं तुमको दूंगा वन लाख डायमंड ब्लॉक। अच्छा हाँ मैं ला सकता हूँ, आप ये तो रुको मैं लेके आया। चलो ठीक है और अभी अभी लेके आया। ये बंदा तो सबसे ओवर पावर लग रहा है यार, जैसे आपकी आवाज़ सुन लो यार भाई, मैं इनकी सबसे बड़ी उसकी आवाज़ सुन के, और जैसे कि उसने मेरे को उस बॉस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि ये और बॉस का कुछ टाइम पहले ना दोस्त हुआ करते थे और ये तो अच्छा था, बट इसका ये जो दोस्त था ना बॉस इसका भी था, वो अभी मतलब जो है वो अभी ब्लैक मैजिक करना सीख चुका है और इस ब्लैक मैजिक के कारण वो ऐसे तो अभी तो उसको हराना नामुमकिन है, बट एक दिन उसका भी अंत जरूर आएगा। तो अभी तो उसको हराना नामुमकिन है बट ओके यार यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सुबह ही हो गई कब तक यार, वो केव ना इतनी ज़्यादा दूर है ना एस एम पी से, मेरे को यहाँ पे आके पूरा एक्सप्लेन किया। चलो काम करते मैं यहाँ से डायरेक्ट बॉक्स ला रहा हूँ, अब ये सब मैं इस अच्छी चीज़ के लिए कर रहा हूँ क्योंकि यार सिर्फ 60 है यार, मेरे को और डायरेक्ट बॉक्स की जरूरत है, 60 डायमंड ब्लॉक्स से काम नहीं बनेगा। जो हमें शायद कुछ डायमंड मिल गई है वो भी यहाँ पे डायमंड है बहुत सारे, काम करता हूँ ये डायमंड्स को ले लेता हूँ और इनको ना ब्लॉक से करवा दूँगा। वैसे मैं जो अपना इलीगल ट्रेडर है मेरे को कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर लगता है, तो इससे पकड़ा लेना आसान नहीं है। काम करते हैं ना, इनको अपना फ्रेंड बनाते हैं और एक दिन ना हम सब ना साथ मिलकर उस बॉस का खाना बनाते हैं। हाँ तो यही करना सही रहेगा, बट एक दिन चलो तो फाइनली मैं उस गेम की तरफ आ चुका हूँ भाई, इससे ज्यादा फाइनल गेम लगती है ना देखते हैं, कसम से यार अगर कोई नया बंदा देखेगा तो उसकी फटी जाएगी, ओके वो बंदा है कि वहाँ पे ओके चलो वो जो है तैयारी कर रहा है वापस चलते हैं, वरना अगर वो गुस्सा हो गया तो मैं क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे इतना खतरनाक रास्ता है, अगर मैं कोई भी गलती भी ना करूँ तो मैं उसका अवॉइड भी कर सकता हूँ, तो मेरे को आराम से और शांति से जाना पड़ेगा। हेलो हाँ हाँ मैं आ गया, मैं लेके आ चुका हूँ एक्स्ट्रा। इतनी जल्दी लेके आ गए? अरे हाँ तो मैं चोरी तो नहीं की? नहीं मैं चोरी नहीं करता, तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। हाँ ये लो एक स्ट्राइक आपके डायमंड ब्लॉक का रहा, ये लो ये है बैरेट M821 और ये रही इसकी ऐप। क्यों नहीं? चलो ठीक है शुक्रिया, देखो आपकी अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस आऊँ। ओके हमें तो फाइनली अपना बटन मिल चुका है और एक काम करते हैं इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, तो एक काम करते हैं और वैसे तो यार मेरे को पता नहीं है कि वो बॉस को मारने के लिए कौन सा हथियार सही रहेगा, अभी कह रहे तो एक गन को मैंने खरीद लिया है, एक काम करते हैं ये स्क्विड को मार देते हैं। भाई साहब गाइस आपने इसकी आवाज़ सुनी? ओ वेट इसमें स्कोप भी है बट यार ये स्कोप अच्छे से काम नहीं कर रहा है, खतरनाक है यार, इसमें मैं लिटरली डीआरजी को वन शॉट कर सकता हूँ। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, एंड अगर आप देखना चाहते हो कि सच्चाई क्या होती है और ये इलीगल प्लेयर कौन है और यार कुणाल कहाँ पे, कुणाल क्या उसके साथ जो कर रहा था वो सही था या फिर वो एक सही में टिकटॉक हैक था, तो वो सब हम नेक्स्ट एपिसोड में पता लगा लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, तब तक के लिए बाय बाय।
ഇന്നലെ ഇഡ്ഡലി ആയിരുന്നു അമ്മ ചാ ഇതടെ ഇന്നലെ കണ്ണൊന്നും വിരിഞ്ഞു വന്നില്ലേ ചേച്ചി ആദ്യം കുയിൻ ഇരിക്കുന്നേച്ചിനെ മൂവാക്കണം നമ്മൾ പുറത്തോളണം ഇന്നും വേണം സംസാരിക്കാം ആർക്കാണ് മൂവാക്കണ ചേച്ചി എന്നെ അമ്മ ഇതുടാ വഴക്കണ്ടാക്കാൻ വന്നാണ് നീ രാവിലെ കൊണ്ട് അമ്മ ഞാൻ എന്തിനാ ഈ ചേച്ചി രോഗം തന്നെ അബിയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ കാണോടെ ഡോറിയല്ല ബസ് ബസ് വൈകുന്നേരം വണ്ടി ഒതുക്കുമ്പോ 1000 രൂപ കൈ കൊറേ നേരം എടുക്കുന്ന Hope you guys enjoyed and all, or like, subscribe, share everything. Yep. Bye bye.